आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा फाइव क्यू कार्ड्स विद वन सिंगल आइडिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फाइव क्यू कार्ड्स के बारे में, जिनके लिए आप सिंपल एक आइडिया जो बोल के सभी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हो। जो हमारे फाइव क्यू कार्ड्स होंगे जिनके साथ ही आइडिया मैच करेगा वो होंगे डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग नेबर ऑफ योर्स। आपने एक इंटरेस्टिंग नेबर के बारे में बताना है। सेकेंड वन इज डिस्क्राइब अ फेमस पर्सन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, कोई फेमस पर्सन जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। डिस्क्राइब अ पर्सन यू ओनली मेट वंस एंड वांट टू नो मोर अबाउट, जिस पर्सन को आप सिर्फ एक बार मिले हो और उनके बारे में और भी जानना चाहते हो। डिस्क्राइब अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी, एक पर्सन के बारे में बताना है जो योगदान देता है अपना सोसाइटी के लिए। डिस्क्राइब समवन ओल्डर देन यू हुम यू एडमायर, आपने अपने से बड़े किसी के बारे में बताना है जिनको आप लाइक करते हो। एडमायर मीन्स लाइक। ये वो फाइव क्यू कार्ड्स हैं जिनके लिए हम लोग सेम ही जो है सैंपल आंसर वो यूज कर सकते हैं। सो काफी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि मैम ऐसे क्यू कार्ड्स लेके आइए जिनके एक आइडिया के साथ बहुत सारे क्यू कार्ड्स कवर अप होते हो। आज जी मैं एक सैंपल आंसर आपके लिए लेके आऊँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा इसमें से, और आप ये जान पाओगे कि कैसे एक ही सैंपल आंसर के साथ आप इतने सारे क्यू कार्ड्स जो है वो कवर अप कर सकते हो। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब भी मैं पर्सन का क्यू कार्ड बताती हूँ तो मैंने उसके लिए एक अलग से जननन खुद से लिखी हुई है, वो है वर्ल्ड इज अ बैग फुल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज, सम आर एग्रेडेड, सम आर ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, वाइल अदर आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड। इट मीन्स कि संसार एक बैग की तरह है जो अलग अलग पर्सनैलिटी से भरा पड़ा है। सम आर एग्रेडेड, एग्रेडेड मीन्स एक्टिव प्लस इंटेलिजेंट पर्सन, दिस इज एन इडियम। सम आर ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव नेचर वाले, दिस इज अ वोकैबुलरी, एंड पेसिमिस्टिक नेगेटिव नेचर वाले, दिस इज ऑल्सो अ वोकैबुलरी, वाइल अदर आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड, दिस इज ऑल्सो एन इडियम, जिसका मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड। और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं। सो हियर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन अ पर्सन टू हुम आई लाइक द मोस्ट, आज मैं बात करूंगा उस पर्सन के बारे में जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। आप इस लाइन को चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्यू कार्ड। सो एक्चुअली ही इज नन अदर देन माई नेबर, वो और कोई नहीं वो कौन है मेरा नेबर। आई विवर्डली रेमिनिस मतलब रिमेम्बर, सिक्स मंथ अगो अ वन फैमिली वॉज शिफ्टेड इन आवर लोकेलिटी, हमारे होम टाउन में एक फैमिली शिफ्ट हुई थी एंड इज लिविंग नेक्स्ट डोर टू अस, और अब वो फैमिली हमारे घर के नेक्स्ट डोर पे ही रह रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे आप एक जो है इडियम यूज कर सकते हो, एंड इज लिविंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ माई हाउस, जहाँ बोल सकते हैं इज लिविंग स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस। हाउस की जगह पे आप अबॉट भी लिख सकते हो। देन द ब्रेड विनर ऑफ दैट फैमिली इज अ रिनाउंड इंजीनियर, ब्रेड विनर हम उस पर्सन को बोलते हैं जो एक फैमिली का कर्ता धर्ता होता है, लाइक जिसके ऊपर सारी फैमिली डिपेंड होती है। तो जो उस फैमिली का ब्रेड विनर है वो एक रिनाउंड इंजीनियर है। रिनाउंड मतलब फेमस। ही वर्क्स आउट ऑफ द स्टेशन एंड कम बैक होम ट्वाइस इन अ ईयर, वो आउट ऑफ स्टेशन वर्क करते हैं एंड साल में दो बार घर पे आते हैं। एज आई एम अ गैरुलस एंड ग्रीगेरियस पर्सन, ग्रीगेरियस का मतलब होता है सोशलेबल, जैसे मैं एक सोशलेबल पर्सन हूँ, एंड गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, एक टॉकेटिव पर्सन हूँ और सोशलेबल पर्सन, सो आई जनरली गो टू हिज होम टू किल माई लेजर टाइम विद हिज फैमिली। किल माई लेजर टाइम इट मीन्स अपना फ्री टाइम स्पेंड करना किसी के साथ, दिस इज एन इडियम एंड दीज बोथ आर वोकैबुलरी वर्ड्स। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इज दैट देयर आर एम्पल टेक्निकल गिज़्मोस इन हिज होम दैट आर डिजाइन्ड बाय हिम, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है उनके घर में एम्पल मीन्स मैंने बहुत सारे टेक्निकल गिज़्मोस, गिज़्मोस मतलब गैजेट्स, गैजेट्स है जो उन्होंने खुद से डिजाइन किए हुए हैं। नो डाउट ही इज इन हिज अर्ली 60s बट स्टिल ही लुक्स क्वाइट यंग, नो डाउट कि वो अर्ली 60s में है। अर्ली 60s कहने का मतलब नियर अबाउट 51 से लेकर 54 तक का टाइम पीरियड। कभी भी किसी की एज बतानी हो, रेदर देन ही इज 23 years old, 24 years old, यू कैन से ही इज इन हिज अर्ली 30s। सो वो अपने अर्ली 60s में है फिर भी काफी यंग दिखते हैं। आई रिमेम्बर 3 months ago I met him for the first time and really impressed by him. मुझे याद है कि मैं 3 महीने पहले उनसे पहली बार मिला था
एंड उनसे काफी इम्प्रेस हुआ था. क्यों इम्प्रेस हुए थे? बिकॉज ही इज मैग्नानिमस एंड इंडस्ट्रियस पर्सन. मैग्नानिमस इज द सिनोनिम ऑफ काइंड हार्टेड, इसकी जगह पे आप बेनेवोलेंट भी लिख सकते हो. और इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग पर्सन, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है और बहुत ही काइंड हार्टेड है. दैट्स व्हाई आई रियली लाइक हिम. ही टॉक्ड अबाउट हिज वर्क, दैट हाउ ही इज वर्किंग इन अ टीम टू मेक रोबोट्स. वो बात कर रहे थे मेरे साथ अपने काम के बारे में कि कैसे वो टीम में रह के रोबोट्स जो है वो बनाते हैं. एज आई हैव कीन इंटरेस्ट इन टेक्निकल गिज़्मोज़, जैसे मुझे बहुत इंटरेस्ट है टेक्निकल गिज़्मोज़ में, कहने का मतलब रोबोट्स वगैरह में, या गिज़्मोज़ जो मोबाइल फोन कंप्यूटर्स कैसे बनते हैं, इंजीनियर कैसे बनाते हैं. सो आई वॉज क्यूरियस टू नो मोर अबाउट हिम एंड हिज वर्क. सो मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक था उनके बारे में जानने के लिए और उनके वर्क के बारे में जानने के लिए. हिज टॉक्स रियली इम्प्रेस्ड मी, उनकी बातों ने मुझे काफी इम्प्रेस किया था. ऑन द नेक्स्ट डे ही वेंट बैक टू हिज जॉब, नेक्स्ट डे वो अपनी जॉब पे वापस चले गए. नाउ आई एम वेटिंग टू मीट हिम अगेन इन ऑर्डर टू नो दैट हाउ ही इज मैनेजिंग हिज पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ इन अ वेल मैनर वे. अब मैं वेट कर रहा हूँ उनको दोबारा मिलने की और ये जानने की कि वो कैसे अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जो है अच्छे तरीके से जो है बैलेंस कर रहे हैं. बिसाइड्स दिस, इसके अलावा हिज वाइफ टोल्ड मी दैट ही गिव्स चैरिटी फंड्स टू न्यूमरस एनजीओस फॉर डेस्टिट्यूट लर्नर्स हु वांट टू ऑप्ट इंजीनियरिंग फील्ड और डोमेन. तो उनकी वाइफ ने मुझे ये भी बताया कि वो चैरिटी फंड्स भी बहुत सारे एनजीओ को देते हैं फॉर डेस्टिट्यूट लर्नर. डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर, पुअर लर्नर्स के लिए. लर्नर्स की जगह पे अगर आपने वो कैवर्ड यूज करना है तो आप एस्पिरेंट्स वर्ड यूज कर सकते हो. एस्पिरेंट्स को हु वांट टू ऑप्ट, ऑप्ट का मतलब होता है चूज, जो चूज करना चाहते हैं इंजीनियरिंग फील्ड या बोल सकते हो डोमेन. टू कैपिटल दिस इज एन इडियम फॉर एंडिंग. ही इज द पर्सन हु इज एल्डर देन मी एंड अर्निंग नेम एंड फेम बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी. और अर्न कर रहे हैं नेम एंड फेम. नेम एंड फेम मतलब नाम और शोहरत अर्न कर रहे हैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करके. सो ये था हमारा आज का सैंपल आंसर जो 5 क्यू कार्ड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. होप है कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. कीप स्पोर्टिंग. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.